अगली खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां कुक्षी तहसील अंतर्गत विकास खंड शिक्षा कार्यालय निसरपुर, जहां पर सहायक ग्रेड के पद पर पदस्थ काशीराम इसके अकाउंटेंट के पद पर होते हुए पिछले 4 वर्षों में कर्मचारियों के वेतन एरियर, कार्यालय भुगतान, अवकाश नकदीकरण आदि विभिन्न मदों की लगभग 125 करोड़ रुपए की राशि को मूल खाते में जमा न करते हुए अपने स्वयं की पत्नी जो कि छात्रावास में पदस्थ है, उसकी स्वयं की पत्नी जो कि छात्रावास में पदस्थ है, उसके सहित अन्य 3 के खाते में डाल दी, जिसकी जानकारी विभाग को मिलते ही जिला प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए आरोपी अकाउंटेंट से और 4 लोगों से करीब 64 लाख रुपए की रिकवरी करते हुए 4 आरोपी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। विकासखंड शिक्षा कार्यालय निसरपुर में काशीराम इसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022 तक की अवधि में निसरपुर के शासकीय विकासखंड शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि 1,18,23,000 रुपए, जो कि संबंधित वास्तविक कर्मचारियों के खाते में ऑनलाइन जमा न करते हुए अकाउंटेंट काशीराम स्वयं के अकाउंट और पत्नी आदिवासी कन्या आश्रम निसरपुर के परियोजना प्रशासन कार्यालय का बाबू सुरेश भूरिया सहित प्राथमिक शिक्षक बापूराम जमरा की पत्नी ललिता पति बापूराम जमरा के खाते में ऑनलाइन रूप से ट्रांसफर कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद कार्यालय में इसके द्वारा गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर धार प्रियंक मिश्रा द्वारा अकाउंटेंट काशीराम सहित उनकी पत्नी एवं सहायक शिक्षक के साथ परियोजना कार्यालय के बाबू को निलंबित कर दिया गया है, जिनसे 64 लाख रुपए की वसूली भी की गई है। पूरे घटनाक्रम में आरोपियों के अलावा भी लापरवाही बरतने वाले अन्य अधिकारी कर्मचारियों पर भी कार्यवाही की जानी तय मानी जा रही है। हाँ, मेरे निसरपुर विकास खंड में एक बाबू है काशीराम इसके, जिसके द्वारा ऑनलाइन 1,18,00,000 रुपए का भुगतान खुद के खाते में, पत्नी के खाते में, एक उसका दोस्त है APA परियोजना कार्यालय भूरिया उसके खाते में, और एक और है प्राथमिक शिक्षक उनके पत्नी खाते में, 4 खातों में भुगतान किया गया। इसके अलावा दो खाते ऐसे हैं जो कि अभी सस्पेक्टेड हैं, सही बात पता नहीं चल पा रही है। कुल मिला के 1,18,23,031 रुपये का प्रथम दृष्टया गमन प्रतीत हुआ। सर, ये कब पता लगा, कैसे पता लगा, और इसमें क्या ऊँचे दूसरे अधिकारियों की भी इस पर मिली भगत सामने आई है, क्या है? जी नहीं, ये विकास का निसरपुर का मामला है। एक दिन TO साहब भी देख रहे थे, तो उन्होंने देखा था कि एक ही अकाउंट नंबर पर अलग अलग नाम लिखे हुए थे। फिर उन्होंने उस बात को हम लोगों ने डिस्कस किया, बात बताई, फिर उन्होंने कलेक्टर साहब को पुटअप किया। सर, ये पैसा जो ट्रांसफर हुआ है सर, ये किस समय में हुआ है, मतलब कौन से सन में हुआ है, और ये जो 2019-20 से लगाकर 22-23 तक का है, वो किस मत का पैसा था सर? ये शिक्षकों का या कर्मचारियों का किसी का भी वेतनमान है, एरियर है, ई पेमेंट फेल है, अवकाश नकदीकरण है, अन्य प्रकार कैसे है? सर, अब मामला सामने आया है सर, विभाग क्या कार्रवाई करता है? विभाग ने सबसे पहले तो जो है ना, कलेक्टर साहब ने मुझे आदेश दिए थे, उसके आधार पर पहला काम ये हुआ कि 4 को कलेक्टर साहब ने निलंबित कर दिया। कलेक्टर साहब निर्देश देते कि उनके ऊपर FIR दर्ज करो और अनुशासनात्मक कार्रवाई करो और विधिक कार्रवाई करो। कौन कौन लोग हैं इसमें आरोपी का? इसमें काशीराम इसके जो कि अकाउंट का काम देखते हैं वो हैं, इसके अलावा उनकी पत्नी है, और एक भूरिया करके क्लर्क है कुक्षी का, और एक और प्राथमिक शिक्षक हैं जिनकी पत्नी है ललिता जमरा। सर, इन सब के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो चुका? नहीं, FIR अभी करने के लिए हमने बोला है विकास एवं शिक्षा अधिकारी को, तत्काल FIR दर्ज करें, और वो संभवतः थाने में गए। सर, इसमें रिकवरी कितने की हुई? 64 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी। सर, आगे से इस प्रकार के मामले ना हो, इसके लिए विभाग क्या कुछ कर रहा है? बिल्कुल, इसीलिए तो अलर्ट हुए हैं। कलेक्टर साहब ने जो ट्रेनिंग करवाई सभी DDO की, वो DDO जो है ना, अनिविघ्न न रहें, हर बात को चेक करें और देखें कि अप्रूवल करते समय सारे बिलों को चेक करें। सर, ये पेमेंट ऑनलाइन हुआ या ऑफलाइन हुआ? ऑनलाइन हुआ। ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू।